हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इजी ऐप पे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी की आप डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं, कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, कंपनी में डायरेक्टर्स कौन कौन है, कंपनी का एड्रेस क्या है। हम यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे mca.gov.in। इसको क्लिक किया हमने, यहाँ पे एक साइट खुल के आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए। यहाँ पे हम अपना कर्सर ले जाएंगे MCA सर्विसेज पे। MCA सर्विसेज पे कर्सर ले जाते ही हमारे पास एक स्क्रीन पॉपअप होके आएगी। उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे मास्टर डाटा के नीचे व्यू कंपनी और LLP मास्टर डाटा, इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन आएगी हमारे सामने, उस पे जो ये सर्च का सिंबल आ रहा है, हमें इस पे क्लिक करना है। तो आज हम जिस कंपनी का डिटेल चेक करेंगे वो है IRCTC। गवर्नमेंट की कंपनी है और ये डेली रूटीन में लगभग हर कोई रेलवे से चलता ही है, महीने में, 6 महीने में, साल में। तो IRCTC का नाम हर कोई जानता है। IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इंडियन रेलवे। हमें कंपनी का पूरा नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इंडियन रेलवे ही टाइप करेंगे और इस नाम से जो भी कंपनीज होंगी उनका नाम आ जाएगा। यह आ गया आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस पर क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे कोड आ रहा है, कोड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ये नया कोड आ गया जैसे आपके पास, तो मैं इसको टाइप करूँगा। और उसके बाद ये पूरी डिटेल कंपनी की यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगी। जैसे कंपनी का CIN क्या है, CIN है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर एक कंपनी का इशू होता है जब कंपनी इंडिया में रजिस्टर होती है, तो उसको एक यूनिक नंबर इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसे हम SIN कहते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी का नाम आ गया, कंपनी किस रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर है। जैसे IRCTC में देखेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली के पास रजिस्टर है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आप देख सकते हैं। कंपनी कैटेगरी क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। सब कैटेगरी क्या है, यूनियन गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। क्लास ऑफ कंपनी पब्लिक, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे आप इसकी कैपिटल की डिटेल्स देख सकते हैं कि कितना ऑथराइज है, कितना पेड अप है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कंपनी किस टाइम किस डेट पर इनकॉर्पोरेट हुई, ये आप देख सकते हैं। जैसा IRCTC 99 में इनकॉर्पोरेट हुई। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, 12 खंबा न्यू दिल्ली में है। कंपनी की ऑफिशियल ID क्या है जिस पे आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास है companysecretary@irctc.com। कंपनी लिस्टेड है या कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, BSE NSE दोनों पे। और इसमें कोई भी जाके जिसके पास डीमेट अकाउंट है उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, बेच सकता है। कंपनी की कंप्लायंस रेगुलरली हो रही है। लास्ट AGM जो इसकी 2019 में यहाँ पे अपडेट दिखा रहा है, ये डॉक्यूमेंट जिन्होंने गवर्नमेंट के पास फाइल किए होंगे उसके अकॉर्डिंग अपडेट्स दिखाता है टाइम टू टाइम। कंपनी के ऊपर चार्जेस क्या है, चार्जेस आप इसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे भी डिटेल में दिखा देते हैं। चार्जेस का मतलब होता है अगर कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट उसने अपनी कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कराया हुआ है, मॉर्गेज क्रिएट कराया हुआ है, तो उसकी डिटेल भी कंपनी को यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। कंपनी में आज के डेट में डायरेक्टर्स कौन कौन है, ये डायरेक्टर्स की डिटेल है। अगर आपको डायरेक्टर्स की डिटेल और ज़्यादा देखनी है तो एक ऑप्शन और है हमारे पास। आप उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसका जो CIN नंबर है इसको कॉपी करेंगे, फिर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे व्यू सिग्नेटरी डिटेल्स, यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे इसका CIN नंबर पेस्ट कर दीजिए और जो कोड आ रहा है उसको आप टाइप कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। ये कंपनी में आज के डेट में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके डिटेल यहाँ पे आ गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हैं। इसमें उस डायरेक्टर का डिन या पैन क्या है, उसका नाम क्या है। मैं डिन बता देता हूँ, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ही होता है। हर एक इंडिविजुअल जब डायरेक्टर बनता है उसको डिन अप्लाई करना पड़ता है, जैसे पैन होता है। आप बिना डिन के किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। उनका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, डेजिग्नेशन क्या है,
डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, डीएससी जो उनका डिजिटल सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड एमसीए के साथ है कि नहीं है, यस या नो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उनका डीएससी कब तक वैलिड है, इसमें आप जितनी भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल एक एक करके आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें कई सारे आईएएस ऑफिसर्स डायरेक्टर होते हैं, नॉमिनीज डायरेक्टर होते हैं। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे जो भी गवर्नमेंट फंडेड कंपनीज होती हैं, जो पीएससीज होते हैं, उनमें इतने सारे डायरेक्टर आपको नॉर्मली दिख जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने कम से कम आज के डेट में ये सीखा कि किसी भी कंपनी का जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसकी आप रजिस्टर्ड डिटेल्स कैसे देख सकते हैं, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, कंपनी की मेल आईडी के बारे में, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या है, और भी डिटेल्स आप यहाँ आकर देख सकते हैं। और कंपनी में डायरेक्टर कौन कौन है, उनका डिन क्या है, उनके एड्रेस क्या है, कंपनी का CIN नंबर क्या है, तो आप काफ़ी चीज़ें यहाँ से गैदर कर सकते हैं और आपने आज सीखा भी होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।